हेलो इन्वेस्टर्स, श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ ओपन हो गया है। ये कंपनी जो है श्रीराम ग्रुप की एक कंपनी है, श्रीराम प्रॉपर्टीज। वहीं कंपनी जो एस्टैब्लिश हुई थी 5 अप्रैल 1974 को एस्टैब्लिश हुई थी और कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई में है। इसके अलावा हम आपको बता दें, श्रीराम ग्रुप में कई सारी कंपनीज आती हैं जिसमें से श्रीराम प्रॉपर्टीज भी एक है, लाइक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा श्रीराम एएमसी, श्रीराम कैपिटल्स, और भी कई सारी कंपनीज आती हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज उसमें से एक है, और भी कई कंपनीज आती हैं श्रीराम ग्रुप में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, कंपनी का आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन हो गया, यानी कि आज क्लोज हो जाएगा 10 दिसंबर को। इसके अलावा प्राइस बैंड की बात करते हैं, तो प्राइस बैंड जो रखा गया है 113 रुपए से 118 रुपए रखा गया है एक लॉट में। करीब 125 शेयर्स रहने वाले हैं, मैक्सिमम लॉट है 13 लॉट्स के साथ ही आप 1625 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं आईपीओ का साइज, तो आईपीओ का साइज 600 करोड़ का रहने वाला है। फ्रेश इक्विटीज कंपनी 250 करोड़ रुपए के जारी करेगी। वही मौजूदा इन्वेस्टर्स ऑफर फॉर सेल के तहत करीब 350 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचेंगे। वहीं प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है आईपीओ के पहले वो करीब 32% के आसपास है। आफ्टर आईपीओ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इससे भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि काफी कम प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें रहने वाली है। श्रीराम प्रॉपर्टीज के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स साउथ इंडिया में चलते हैं, वहां पर इसका नाम बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल है। इसका मुख्य फोकस मिड मार्केट प्रीमियम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में डील करती है। इसके अलावा हम आपको बता दें, कॉरपोरेट और ऑफिस स्पेसेस में भी कंपनी काम करती है। इसके अलावा कंपनी जो आईपीओ से फंड जुटाने वाली है, इसका यूटिलाइज कंपनी कर्ज लोन को कम करने में करेगी, लोन को घटाने में करेगी। इसके अलावा आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी आईपीओ से जो फंड जुटाया जा रहा है इसका यूज किया जाएगा। 3 साल के अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 19 में कंपनी को 49 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वहीं फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करता हूं, तो कंपनी को 86 करोड़ का लॉस देखना पड़ा था। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 के 9 मंथ की बात करता हूं, तो वहां पर भी कंपनी को लॉस ही देखना पड़ा है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, लेटेस्ट डब्बा बाजार भाव क्या चल रहा है, तो प्राइस बैंड से करीब 20 रुपए प्लस में चल रहा है, यानी कि परसेंटेज में बात करता हूं तो करीब 17% प्लस में चल रहा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आईपीओ में आप अप्लाई करें, लिस्टिंग गेन आपको मिलेगा, डेफिनेटली लिस्टिंग गेन लेके आप इसमें निकल सकते हैं। आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश ना करें, यही हमारी सलाह है। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, जो कि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।